हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग अपडेट्स में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, हाइग्रोमीटर के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि हाइग्रोमीटर क्या होता है, किस लिए हाइग्रोमीटर को हम लोग माइंस पे यूज़ करते हैं, किस बेसिस पे उसको यूज़ किया जाता है, किस लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए एंड इस वीडियो पे आप लोग कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हाइग्रोमीटर क्या होता है। तो हाइग्रोमीटर हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने का साधन है। हाइग्रोमीटर अंडरग्राउंड माइंस में स्टेरोवेरलिंग हाइग्रोमीटर नाम का यूज दो किया थर्मामीटर जाता है, जो कि 15 सेंटीमीटर लंबे लकड़ी के एक फ्रेम पर बगल बगल फिट किए रहते हैं। फ्रेम में एक हैंडल होता है, जिसे पकड़कर फ्रेम को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। एक थर्मामीटर की कुंडी में हवा रहती है, जिसको हम ड्राई बल्ब थर्मामीटर कहते हैं। एंड सेकेंड इज वेट बल्ब थर्मामीटर की कुंडी पर मलमल का कपड़ा लिपटा रहता है, जिसका एक सिरा थर्मामीटर के नीचे पानी के बर्तन में डूबा रहता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर जो है वो हवा की ह्यूमिडिटी नापने के लिए यूज़ किया जाता है। जिस जगह हवा की ह्यूमिडिटी नापनी है, वहाँ हाइग्रोमीटर के हैंडल से पकड़कर करीब 200 RPM 200 चक्कर पर मिनट की गति से लगभग 1 मिनट तक घुमाने के बाद दोनों थर्मामीटर की नाप जल्दी से पढ़ ली जाती है। सबसे पहले वेट बल्ब की पढ़ी जाती है, क्योंकि वह जल्दी बढ़ती है। इसलिए जब दोनों थर्मामीटर की नाप इक्वल होती है, तो हवा पूरी तरह से नमी होती है, उसमें हवा में नमी रहता है। एंड अगर दोनों में डिफरेंस होने का मतलब है कि हवा में सूखापन है, अगर दोनों में डिफरेंस पॉइंट आते हैं तो हवा जो है हवा में सूखापन मौजूद होती है। अगर फ्रेंड्स हम लोगों को बोल दिया जाए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप चेक करके बताओ, तो आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सूखे बल्ब जो होते हैं ड्राई बल्ब के, हम 0 फ़ारेनहाइट तापमान में से गीले बल्ब वेट बल्ब का टेम्परेचर घटाने पर जो नंबर मिलती है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 100 में से घटाने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज मिल जाती है। ये एक फॉर्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालने के लिए, 100 माइनस ड्राई बल्ब की नाप माइनस वेट बल्ब की नाप इज इक्वल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका निकल जाएगा, ये फॉर्मूला है। ओके तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।